Hello, so I'm leaving for my hostel very soon. So, here are a few things I did before leaving for my hostel. The first thing I did, I went for a whole body checkup. And number two, and my favorite, my mom and I cooked paneer. have no banana I and I can't cook, so I have to learn it. Number three. रात को एक दिन मैंने ये चोटी बनाया था क्योंकि आई बिन टेकिंग गुड केयर ऑफ माई हेयर एंड आई गॉट दिस फ्रॉम माई सिस्टर ये राखी रहेगा मेरे हाथ में हमेशा नंबर फोर मैं गई थी पूजो शॉपिंग के लिए और मैं इतनी एग्जॉस्टेड फील कर रही थी क्या ही बोलू मैं हमारे यहाँ पे हो रहे थे नॉन स्टॉप बारिश और मम्मी ने बनाया था ब्रेड पकौड़ा मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था लेकिन वो दिन बहुत बेकार था ओके सो दिस इज द रीजन पता नहीं इसके चलते मेरे पता नहीं कितने सारे प्लान फेल हो गए बहुत ही हैबी रेनफॉल हो रहा था ऐसे चैनल में भी अनाउंस कर दिया था कि बहुत हैबी रेनफॉल होगा एंड आई वाज एक्सट्रीमली डिस्टरप्टेड यार ऐसा क्यों होता है नंबर सिक्स सो मैं मेरी मम्मी के साथ चाय पे चर्चा किया उसके मतलब चाय गॉसेप और बहुत सारा खाना खाया हाय आई डोंट नो आवाज़ आ रही है या नहीं बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत ज़ोर से बोलूँ यहाँ पर कुछ साउंड आ रहा है शायद आपको सुनाई भी दे रहे हैं बट आई एम सॉरी यू है यू जस्ट हैव टू डील विद एट ओके सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू मुझे नंबर नहीं पता मैं भूल चुकी हूँ बट मैं अभी एक्सरसाइज़ करूँगी और मैं पिछले एक घंटे से सोच रही हूँ कि मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी लेकिन मैं कर ही नहीं पाई बट अब मैं करूँगी और उसके लिए मैं अपना बाल बांधूंगी ऑन कैमरा Okay I'm so ready for a good sweat session so also this is not the part of this video but I used to make videos but then I stopped because uh, I don't know usme views nahi aate and then um just many nahi but uh, later I realized that I want to do this for myself यू नो वॉट आई वॉन्ट अ लुक बैक एंड आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ दैट मैं कैसी थी मैं क्या क्या करती थी सो दैट्स वाई है स्टार्टेड अगेन सो आई होप यू ऑल इन्जॉय इट मैं बनाऊंगी यार वंस अ मंथ जरूर पिछले कुछ दिनों से बारिश होने के बाद फाइनली द सन इज हेयर आई वॉज सो हैपी विद द वैदर